Good morning students. Today I will start a new chapter in geography. Our topic is life in the desert. आज हम life in the desert के बारे में पढ़ेंगे कि desert में किस प्रकार की life होती है. इस topic में हम इसको आज discuss करेंगे. Desert इस chapter में दो प्रकार के desert के बारे में हम पढ़ेंगे. पहला है सारा desert, दूसरा है लद्दाख desert. ठीक है ना. तो सारा desert जो है वो सबसे गर्म और सबसे बड़ा रेगिस्तान है. ठीक है, ये नॉर्थ अफ्रीका में स्थित है. और फिर हम पढ़ेंगे इसके क्लाइमेट के बारे में कि यहाँ की जो क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर गर्मी पड़ती है. और उसके बाद पढ़ेंगे फ्लोरा एंड फौना के बारे में, वहाँ की वनस्पति और वन्य जीव के बारे में पढ़ेंगे. और फिर वहाँ पर किस प्रकार के लोग, ठीक है ना, पीपल के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार वहाँ पर लोग रहते हैं, सर्वाइव करते हैं और अपने जीवन को चलाने के लिए किस प्रकार की वो एक्टिविटी करते हैं. तो आज इस चैप्टर में हम सहारा डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लद्दाख डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे. पहला है सहारा डेजर्ट. द सहारा डेजर्ट कवर अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्थ अफ्रीका. सहारा डेजर्ट नॉर्थ अफ्रीका के एक बहुत बड़े पोर्शन को कवर किए हुए हैं या ढके हुए हैं. द सहारा डेजर्ट कवर्स 11 कंट्रीज ऑफ अफ्रीका. जो सहारा डेजर्ट है वो अफ्रीका की 11 देशों को क्या करता है, छूता है, कवर किए हुए हैं. अगला है द सहारा डेजर्ट इज़ वेरी बिग. सहारा डेजर्ट जो है बहुत ही बड़ा है. इट कवर्स एन एरिया ऑफ द 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. सहारा डेजर्ट जो है वो लगभग 8.54 एरिया जो है वो मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसको कवर किए हुए हैं. द सहारा डेजर्ट इज़ कवर्ड विद सैंड एंड ग्लेवर्स. जो सहारा डेजर्ट है वो किससे कवर है, किससे ढका हुआ है, सैंड और ग्लेवर से क्या हुआ है, वो ढका हुआ है. अब क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं कि वहाँ की क्लाइमेट कैसी है. द सहारा डेजर्ट एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम टेम्परेचर. जो सहारा डेजर्ट में टेम्परेचर बहुत ही एक्सट्रीम है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म है. द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे राइजेज एज हाई एज 50 डिग्री सेल्सियस. जो वहाँ के दिन का टेम्परेचर है वो लगभग 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा बढ़ जाता है. द रॉक्स एंड द सैंड गेट हीटेड एंड द रेडिएटेड हीट विथ मेक्स एवरीथिंग हॉट. जो वहाँ के रॉक्स हैं, जो सैंड है, बहुत ज़्यादा हीटेड हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ की जो भी चीज़ें हैं वो उनके सराउंडिंग जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं. द नाइट हाउएवर द एक्सट्रीम कोल्ड द टेम्परेचर गोज डाउन टू 0 डिग्री सेल्सियस. जो नाइट होती है वहाँ की, जैसे दिन का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा हाई होता है, 50 डिग्री से भी एबव हो जाता है, लेकिन जो रात का टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे आ जाता है. ठीक है ना, मतलब जो टेम्परेचर उसका 50 डिग्री सेल्सियस है दिन का, तो रात में क्या होता है वो घटते घटते 0 डिग्री सेल्सियस पर आ जाता है. फ्लोरा एंड फौना. अब हम फ्लोरा और फौना के बारे में बात करेंगे कि वहाँ की वनस्पतियाँ कौन कौन सी हैं, कौन कौन से पेड़ पौधे वहाँ पर उगते हैं और किस प्रकार के वहाँ पर वन्यजीव पाए जाते हैं. द सहारा डेजर्ट एज अ स्पेशल टाइप ऑफ द वेजिटेशन. सहारा डेजर्ट में विशेष प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, लाइक कैक्टस, डेट पाम एंड एकेसिया. जैसे कि आपका कैक्टस है, नागफनी का पौधा है, ठीक ना, खजूर है, ताड़ है और बबूल, इस प्रकार के वहाँ पर पेड़ पाए जाते हैं. ओसेस आर फाउंड इन सम पार्ट ऑफ द डेजर्ट. डेजर्ट के कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ पे ओसेस पाया जाता है. ओसेस का मतलब होता है जहाँ पर पानी पाया जाता है, मरुधान होता है. एंड ओसेस इज सराउंडेड बाई सच प्लांट्स. इस ओसेस के चारों ओर कुछ प्लांट्स पाए जाते हैं. एनिमल्स लाइक कैमल्स, जैकल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस, स्नेक्स एंड लिजर्ड आर फाउंड इन द सहारा डेजर्ट. और वहाँ पर जो वन्य जीव है वो कौन कौन से पाए जाते हैं, कैमल पाया जाता है, जैकल पाया जाता है, स्कॉर्पियन पाया जाता है, स्नेक्स पाए जाते हैं और लिजर्ड पाए जाते हैं. सहारा डेजर्ट के में मतलब ये जो वन्य जीव है वो पाए जाते हैं. अब हम बात करेंगे पीपल के बारे में कि वहाँ के जो पीपल हैं, वहाँ के जो लोग हैं, किस प्रकार से सर्वाइव करते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी वो करके अपने जीवन यापन करते हैं. द सहारा डेजर्ट इज द इनहेबिटेड बाय द नोमेडिक ट्राइब्स ऑफ द बेनोडिस एंड द तुआरेजेस डिस्पाइट द एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट. देखिए वहाँ पर इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम मतलब क्लाइमेट है, उसके बावजूद भी जो सहारा डेजर्ट में जो खाना बदोश जनजातियाँ हैं, जैसे बिडोनिस है और तुआरेज, ये क्या है, ये जनजातियों के नाम हैं.
जो डिजर्ट में पाए जाए, सारा डिजर्ट के आसपास पाई जाती हैं। दे रेयर लाइव स्टॉक्स लाइक गोट्स सीप कैमल्स एंड हॉर्सेस एंड गेट मिल्स एंड हाइड्स ऑफ स्किन फ्रॉम दीज एनिमल्स। देखिए वो क्या करते हैं, वो जो पशुओं को पालते हैं, ठीक है ना, पशुओं को पाल करके ही वो क्या करते हैं, उनसे दूध प्राप्त करते हैं और उनकी खाल को प्राप्त करते हैं। वो कौन कौन से जानवर जो पशु हैं, कौन कौन से, गोट है, सीप है, कैमल है और हॉर्स है, ये इस प्रकार के जानवरों को पालते हैं, ठीक है ना। और गोट से, सीप से, इन लोगों से क्या करते हैं, दूध प्राप्त करते हैं और उनकी जो खाल है उसको भी प्राप्त करते हैं। कारपेट क्लोथ्स एंड द ब्लैंकेट आर मेड फ्रॉम द एनिमल्स हेयर्स, और उनके जो जानवरों के जो बाल होते हैं उनसे कारपेट है, क्लॉथ्स है और ब्लैंकेट वगैरह बनाए जाते हैं। इन द ओसिस ऑफ द सहारा, सहारा का जो ओसिस है, सम सेटल्ड पॉपुलेशन इज फाउंड अराउंड ओसिस एंड नील वैली इन इजिप्ट, इजिप्ट की नील वैली और जो ओसिस है उसके कुछ स्थानों पर पॉपुलेशन पाई जाती है, जनसंख्या पाई जाती है। दे ग्रो क्रॉप्स लाइक राइस, वीट, बार्ले एंड बीन्स, वो लोग कुछ क्रॉप्स वगैरह उगाते हैं जिसमें जो मुख्य क्रॉप्स हैं वो कौन सी है, राइस है, वीट है, बार्ले है और बीन्स है। कॉटन इज ग्रोन एंड द इजिप्ट, कॉटन इजिप्ट में क्या उगाया जाता है, कॉटन उगाई जाती है। ऑयल इज फाउंड इन अल्जीरिया, अल्जीरिया में ऑयल पाया जाता है। लीबिया एंड द इजिप्ट, ठीक है ना, अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट, यहाँ पर ऑयल पाया जाता है। दिस हैज बूस्टेड देयर इकोनॉमी, इकोनॉमी, ठीक है ना, जिससे वहाँ की जो इकोनॉमिक है उसको बढ़ाया जाता है, ठीक है ना, वहाँ जो आर्थिक स्थिति है उसको वहाँ पर इनके द्वारा बढ़ावा मिलता है। मैनी मिनरल्स लाइक आयरन, फॉस्फोरस, मैगनीज एंड द यूरेनियम हैज बीन डिस्कवर्ड एंड आर बीन एक्सट्रैक्टेड इन द सहारा डेजर्ट रीजन, जो सहारा डेजर्ट रीजन है वहाँ पर खुदाई की जाती है और जैसे फॉस्फोरस है, मैगजीन है ना, मैगनीज है और यूरेनियम, इस प्रकार आयरन है, इस प्रकार के मिनरल्स वहाँ पर क्या की गई, उसको डिस्कवर किया गया है। हाउ एवर नाउड इज, आजकल यद्यपि आजकल मैनी चेंजेस आर नोटिस इन द सोशल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल, आजकल वहाँ के लोगों में सोशल इकोनॉमिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। मेंबर्स ऑफ द नोमेडिक ट्राइब्स लाइक द टूअर रेंजेस आर वर्किंग एज टूरिस्ट गाइड फॉर फॉरेन टूरिस्ट, जो फॉरेन टूरिस्ट बाहर से लोग आते हैं घूमने के लिए, जो टूअर मतलब टूअर रेंजेस जो जनजाति है वो कौन सा काम करती है, वहाँ पर पर्यटकों को मतलब कि गाइड करने का काम करती है। मॉडर्न मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट लाइक ट्रैक्स हैव बीन इंट्रोड्यूस, और जो मॉडर्न जो ट्रांसपोर्ट है जैसे ट्रैक्स वगैरह उसको इंट्रोड्यूस वहाँ पर किया गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख, ठीक है ना, लद्दाख के बारे में अगले वीडियो में